बेटे आज आपको मैं बॉडी ब्लॉक सिखा रही हूँ बनाने को। आप बनाएंगे साथ साथ बनाना चाहे साथ साथ बना ले तो थोड़ा थोड़ा देख करके बना लीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक तो साइज मेजरमेंट, मैं फिर फोटोकॉपी आपको भेज दूंगी, आपके पास भेजा भी हुआ है मैंने पहले। और चाहिए आपको इंची के, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, ये स्केल है बेटा, इसको ये वाला स्केल अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल स्केल भी चलेगा, एल स्केल, इससे सीधी लाइनें लगती हैं, नहीं है तो भी चलेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए, मैं आप पेन से बना रही हूँ, आप तो पेंसिल से बनाना, बाद में ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेना। तो सबसे पहले हमने ये मैंने चार्ट लिया है, चार्ट पतला चार्ट लेना है या ब्राउन पेपर भी ले सकते हो आप, थोड़ा थिक वाला ब्राउन पेपर ले लो, सफ़ेद लोगे तो इस पर ज़रा तुम्हें क्लियर नज़र आएगा। अब ये चार्ट की लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली, चौड़ाई वाली साइड अपनी साइड रख लेना और इसमें इस साइड से फ्रंट साइड से जो अपनी और साइड है वहाँ पर एक इंच की लाइन लगा देना है, एक इंच नाप कर एक इंच डेढ़ इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधी लाइन यहाँ से लगा देंगे और इस लाइन को आप ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद ये एक इंच की लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, ऐसे ही ऊपर से लेकर के डेढ़ इंच की सॉरी लाइन ड्रॉ किया, इसी प्रकार आप यहाँ से नीचे ये जो लेफ्ट साइड है वो नीचे वाली साइड है, उसको वेस्ट लाइन आएगी यहाँ पर, यहाँ से भी आप डेढ़ इंच लेकर के और डेढ़ डेढ़ इंच लेकर के आगे तक ये वाली लाइन लगा दी, पूरी लाइन को लगा लेंगे ये डेढ़ इंच की लाइन, एक इंच भी लगा सकते हैं और डेढ़ इंच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सीधी लाइन आप एक ड्रॉ कर लेंगे नीचे से। इसी प्रकार इधर से अब आपने यहां से ये नीचे की साइड है वेस्ट लाइन, इसको वेस्ट लाइन बोलेंगे और जो हमने छोड़ा है वहाँ से नापना नहीं है, हमें नापना है जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से नापना है और सबसे पहले है फ्रंट लेंथ। अब जैसे जैसे आप जैसे जैसे नाप को लेते जाएंगे उसको टिक करते जाना कि मैंने ये वाला नाप ले लिया, तो जैसे सबसे पहले फ्रंट लेंथ, तो फ्रंट लेंथ है 32 इंच वाला, इसमें फ्रंट लेंथ है 17 1/2। पहले आप ये समझ लीजिए, इससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये बड़ा एक इंच है, इस एक इंच में 8 पॉइंट हैं, एक इंच में कितनी है 8 पॉइंट है, तो इनकी ये इंच टेप है, ये वाली साइड है, इंच वाली साइड है, इसमें एक इंच में 8 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट लेंथ है, फ्रंट लेंथ, फ्रंट मतलब हम फ्रंट का हिस्सा बना रहे हैं, तो फ्रंट लेंथ यहाँ से ली जाएगी वो है 17 1/4। तो 17 तो पूरा ले लिया हमने और इसके बाद 1/4 मतलब 2 पॉइंट और, 1/4 का मतलब 2 पॉइंट और, इसी प्रकार ये सीधी लाइन आपको लगानी है, ये वाली लाइन आपको सीधी लगानी है बिल्कुल 17 1/4। तो सीधी लाइन लगाने के लिए देखिए एल स्केल का यूज़ बहुत अच्छा है कि हम ये इस तरीके से ये 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा और ये बिल्कुल सीधी लाइन इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने ये वाली लाइन ये लेंथ लिया,
ये क्या है फ्रंट लाइन, तो इसको साथ साथ आप शो करते गए, ये कौन सी लाइन है फ्रंट लाइन, इसे आप शो करते हैं। कितनी ली है आपने वो एरो डाल के, यहाँ से एरो डालेंगे आप इस प्रकार से, कितनी ली है कहाँ से कहाँ तक के लिए, यहाँ से आपने लिए ये और यहाँ से ये वाली लाइन, तो ये इस तरीके से एरो बना करके इसके बीच में आप और लंबी लाइन लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे लाइन को और लिखेंगे। आपको समझ में आएगा कि हमने और लिखनी भी है कि हमने कितनी ली, फ्रंट लेंथ कितनी 71.4 इंच, 1/4 इंच। इस प्रकार से सारे नाप आपको मैंने एक बता दिया है, जैसे जैसे आप नाप लेते जाएंगे उसको वैसे वैसे लिखते भी जाना है और उधर भी टिक लगाते जाने हैं कि मैंने ये बताया। फिर दूसरा नंबर देखेंगे विड्थ ऑफ बस्ट, बस्ट की विड्थ कितनी है 9.5, तो आप एक 9.5 यहाँ से 9.5 इसमें इंक्लूड है आपका, हाफ इंच ईज लूज, जो लूज ईज होता है वो इंक्लूड है, तो ये लेंगे 9.5, 9 और 4 पॉइंट होता है, 9 और 4.5, 9.5 इंच भी बोल सकते हैं। और अगर आप कहें कि अगर हिंदी भाषा में आपको समझाऊं तो 9 रुपये पैसे, ऐसे अगर आपको समझ आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है आपका, इधर से भी 9.5 लिया और ये एक बॉक्स बना देंगे, क्या करेंगे इसको एक बॉक्स बना देंगे। अब ये आपका फ्रंट साइड का जो है तैयार, बॉक्स तैयार हो गया है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा भी हमने ले लिया है ना, उसे भी हम इस प्रकार टिक लगा लेंगे कि हमने अब दूसरा नाप ले लिया। इसके बाद तीसरा नाप है सेंटर फ्रंट लेंथ, तो ये हम 1/4 हिस्सा, यहाँ हम अपने फ्रंट का हाफ हिस्सा बना रहे हैं, तो ये यहाँ से तीसरा क्या लेना है सेंटर फ्रंट लेंथ, तो सेंटर फ्रंट लेंथ कहाँ से लेंगे हम, सेंटर फ्रंट लेंथ लेंगे कमर से, जो ये हमारी वेस्ट लाइन थी इसे वेस्ट लाइन लिखोगे, और कितनी ली, और कितनी ली वो भी मेंशन करोगे, तभी आपको ध्यान रहेगा क्या करना है। अब इसके बाद हमने 14 3/8 का मतलब क्या हुआ, 14 और 3/8 एक पॉइंट है एक इंच में, उसमें से 3 पॉइंट है, 3/8 का मतलब क्या है कि एक इंच में 1 पॉइंट होते हैं और हमने उसके आगे 14 के आगे 3 पॉइंट्स और ले लिए, तो जब हमने 3 पॉइंट्स और ले लिए तो इसको ये वाला ये पॉइंट बन गया हमारा 14 3/8 है, तो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में से 3 पॉइंट ले। इसके बाद इसको भी टिक लगा लेंगे, सेंटर फ्रंट लेंथ ले ली। अब सेंटर फ्रंट लेंथ ली जो, उसके बाद कितना बचता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 3 इंच बचता है, ठीक है, जितना बचा उतना ही हमने इधर भी लेना है। अगर मोटा मोटा हिसाब बनाए हम तो 17.2 था है ना, तो 3 से 1 पॉइंट कम आएगा, और जितना 3 ये वाला आया इतना हिस्सा हमने इधर लेना है, और इस प्रकार से ये नेक तैयार, क्या तैयार हो जाएगा नेक। यहाँ से अभी थर्ड जो लिया हमने सेंटर फ्रंट लेंथ, ये है सेंटर फ्रंट लेंथ है ना, तो सेंटर फ्रंट लेंथ यहाँ से बेस लाइन
से नापेंगे और इधर भी और चलेंगे और इधर आ गया 14 और 3 पॉइंट। अब जो बचा है उतना ही हम इधर लेंगे। ये क्या तैयार हो जाएगा? नेक। और नेक के लिए क्या करेंगे? यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे, जितनी ये लंबी है उतनी ये चौड़ी है, और इसकी एक लाइन लगा लेंगे और इस तरह से ये एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए ये बॉक्स बन गया। ये 14 इंच और 3 पॉइंट लिए। इसके बाद तो ये बच रहा है 2 इंच और 7 पॉइंट। इसी प्रकार मतलब 3 इंच से 1 पॉइंट कम, इधर से भी उतना ही ले लेंगे और ये चौरस खाना बनाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा कर देंगे, थोड़ा कम करना है। और ये इस तरीके से पहले डॉट डॉट लाइन लगा करके ये आपने नेक दिया, समझ गया आपको? ये नेक बन गया। इसके बाद ये भी लगा दिया। अब वो नेक्स्ट क्या है? अपेक्स। अपेक्स मैंने बताया हुआ है बॉडी का, आपकी बॉडी का सबसे ऊपरा हुआ भाग, बस्ट का सबसे ऊपरा हुआ भाग अपेक्स का। तो अपेक्स कैसे लेना है? जो हमने ये और ये यहाँ से ये लिया था, देखिए इसका हाफ करते हैं। तो ये कितना था? 14 इंच और 3 पॉइंट। तो 14 का हाफ हो गया 7 और 3 का हाफ हो गया 1.5। 3 का हाफ कितना हो गया? 1.5। ये इस प्रकार से 7 और 1.5। तो ये क्या निकल आया आपका? अपेक्स। इसको क्या कहेंगे? ये अपेक्स लाइन है, अपेक्स पॉइंट नहीं है, ये अपेक्स की लाइन है। अब ये इसको भी हम पिक कर लेंगे और अपेक्स की चौड़ाई को क्या कह रहा है? 3 5/8, 3 इंच और 5/8, 8 में से 5 पॉइंट, ठीक है, 1 इंच में से 5 पॉइंट। और ये 3 और ये 5 पॉइंट। इस तरीके से हमने बिंदु लगाना है, इसे अपेक्स बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपेक्स पॉइंट। ये अपेक्स की लाइन को निकालने के लिए पॉइंट लगाया और ये अपेक्स। अपेक्स कितना लेना है? 3 इंच और 5 पॉइंट। अब इसे सीधा मिला देंगे। सीधा मिलाना है। ये जो मेरा स्केल है यहाँ पर ये एक सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री पे इस तरीके से ये 90 डिग्री शो कर रहा है। जब हम इसको रख के ऐसे लगाते हैं तो सीधी लाइन है। अब जितना यहाँ लिया था उतना ही इधर भी वेस्ट लाइन पर, कितना वेस्ट? कितने? 3 इंच और 5। इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारी डार्ट लाइन। क्या है ये? डार्ट लाइन। अब नेक्स्ट है अंडर आर्म सीम। अंडर आर्म सीम में से बताया हुआ है आपको, ये अंडर आर्म सीम कौन सी होगी? ये आर्म वाली जगह होगी, बाजू वाली जगह होगी और नीचे अंडर आर्म सीम आते हैं साइड, ये इसको साइड सीम बोलते हैं। ये आ जाएगी और इसको क्या करना है आपने? देखिए इसको लिखा हुआ है 7 इंच और 7/8। इट मीन्स कि 7 इंच पूरे और 8 में से 7 हो। 7 इंच ये जो लाइन है, ये मेस लाइन है, वहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरफ को जाना है
और क्या लेना है, 7 इंच ले और 7 पॉइंट। और ये जो पॉइंट अब बनाया है इससे 2.5 इंच आपने अंदर की तरफ निशान लगाना है। 2.5 इंच इधर ऐसे निशान लगा करके आपने इसकी सीधी लाइन लगा, क्या करना है, 2.5 इंच लेकर के ये सीधी लाइन लगा देनी है। और फिर यहीं से जहाँ से ये 0.5 इंच का है ये सीधी लाइन इधर से लगा देनी है आपको। मैंने सीधी लाइन का तरीका आपको बताया है ना कि कैसे लेनी है सीधी लाइन। और इसका एक और भी तरीका है कि यहाँ से डाई लिया, आप यहाँ से भी फिर इधर से भी डाई ले सकते हो तो पॉइंट लग जाएगा, तो बिल्कुल इक्वल आ ये डाई इधर से। ठीक है, अब जैसे जैसे आप बना रहे हैं, आपने सबसे पहले ये वाली लाइन लगाई, ये लगाई, ये लगाई, तो आप इनको ए बी सी डी जैसे जैसे आप लगाए जा रहे हैं उनको आपने नाम देने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, लगातार लाइन जैसे जैसे लाइन लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको नाम देते जा रहे हैं। इसके बाद है अंडर आर्म सीट पर टिक लगा देंगे। इसके बाद फ्रंट वेस्ट लाइन, तो फ्रंट वेस्ट लाइन ही कह रहे हो, फ्रंट वेस्ट लाइन है 6 इंच और 3/8, 3/8 मतलब 8 में से 3 पॉइंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इसका क्या कह रहा है, इसके साथ ही ये वाली लाइन को भी हम बाद में करेंगे, पहले आप और दूसरी लाइनें कर लें, इसलिए लाइन आपकी अगली एक और लाइन से जुड़ी है तो इसे हम बाद में करेंगे। अब आता है वेस्ट लाइन टू शोल्डर, वेस्ट लाइन टू शोल्डर, तो वेस्ट लाइन टू शोल्डर मतलब वेस्ट लाइन ये हो गई, ये वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन से शोल्डर, ये कौन सी लाइन है, शोल्डर लाइन है, है ना, और यहाँ से ये हो गया, ये आपकी फिर बस्ट लाइन बन गई, ये वेस्ट लाइन को शोल्डर की तरफ जाएंगे, कितना जाएंगे 14 3/4। तो 14 3/4 का मतलब है कि जैसे आप कह सकते हो कि 1 रुपये में 75 पैसे, 1 इंच में कितने 3/4, तो 14 और 3/4 का मतलब है 6 3/4 का मतलब आप लिख लेंगे 1 इंच में 6 पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट लगाना है आपको। अब यहाँ से ये जो पॉइंट लिया आपने, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेकर के एक अंदर की तरफ लाइन लगा, सीधी लाइन 1/2 इंच, और ये जो 1/2 इंच लिया है, ये जो 1/2 इंच है, ये 1/2 इंच लिया ना हमने, इसको इस नेक वाली लाइन से मिला देना है। इसको क्या करना है, नेक वाली लाइन से मिला देना है, मिला दिया आपने। इसके बाद इसको भी आप पिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है शोल्डर लेंथ, ये लेंथ है शोल्डर, ये क्या है शोल्डर लेंथ, क्या है शोल्डर लेंथ, लिख भी लीजिए शोल्डर लेंथ। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, ये शोल्डर लेंथ ले ली। अब इसके बाद शोल्डर लेंथ क्या है, कितनी है, शोल्डर लेंथ है 4 इंच और 7/8 मतलब 8 में से 7 पॉइंट, 4 इंच और 7 पॉइंट। अब 4 इंच और 7 ये टोटल चाहिए हमें, तो बहुत ज़्यादा है लंबाई में, ये ज़्यादा है, ये देखिए ये कितनी ज़्यादा है, ये 6.5 आ रही है, तो ये ज़्यादा है। वो कह रहा है हमें चाहिए कितनी लेंथ,
4 इंच और 7/8 इंच, मतलब 8 में से 7। तो 4 का हाफ हो गया 2 और 7 का हाफ कितना हुआ 3.5। 2 और 3.5, 2 और 3.5 पॉइंट। तो 2 और 3.5 पॉइंट आप इस नेक पॉइंट से, इस नेक पॉइंट से 2 और 3.5 पॉइंट, 1, 2, 3 और ये हाफ, यहाँ से आपने 2 और 3.5 पॉइंट ले लिया। अब बाकी इतना ही फिर इधर से भी लेना है, जो हाफ इंच की नहीं है ना, यहाँ से 2 और 3.5 ये आपने ले ली। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हमारी शोल्डर लेंथ निकल आई ना, आप टोटल मिला के 2 और 2 4 और 3.5 और 3.5 7 है ना, तो 4 इंच और 7 पॉइंट हमारी ये बन गई। ये बाकी एक्स्ट्रा बचा, ये एक्स्ट्रा क्या बनेगा, शोल्डर डॉट, इसको क्या बोलेंगे, शोल्डर डॉट। ये शोल्डर, ये वाला पॉइंट जो है इसको एक्स पॉइंट से मिला देना है, इसको और इसको भी आप एक्स पॉइंट से मिला इस तरह। देखिए ये कहलाएगा शोल्डर डॉट। ठीक है, अब बारी आती है शोल्डर लेंथ को भी हम ठीक कर लेंगे, हमने वो ले लिया। अब सेंटर फ्रंट, इसका और इसका जो हमने अभी छोड़ा था फ्रंट प्लेसमेंट, इन दोनों का समूह है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि उस नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले क्या करेंगे, ये जो ये हाफ इंच का लिया ना हमने, इसको इससे मिला, इसको क्या करना, इससे मिला, ये बन गया। अब यहाँ पर एक तिरछी लाइन, छोटी सी 2.5 सेंटीमीटर की लगाता है, ये इस तरीके से आपने इसकी शेप हल्के हाथ से लेनी है, पहले पेंसिल से ले लें, फिर उसको आप जब लगेगा कि आपकी ये गोलाई बिल्कुल ठीक आ रही है, इसे आप काट, ये आपका देखो आरमोल बन गया। इसे क्या कहते हैं, आरमोल, जहाँ पर बाजू जुड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं बारी, वो ये कह रहा है नेक्स्ट जो हमने एक छोड़ा था फ्रंट वेस्ट लाइन छोड़ी थी, और अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सेंटर फ्रंट को पेंसिल लाइन। सेंटर फ्रंट को पेंसिल लाइन से मतलब है सेंटर फ्रंट, ये हो गया ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सेंटर फ्रंट की लाइन, ये कौन सी लाइन कहलाएगी आपकी, ये देखिए ये कौन सी लाइन कहलाएगी, ये पेंसिल लाइन, इसे क्या बोलेंगे, पेंसिल लाइन, जो आपकी हिंदी में राजकुमारी रेखा आ रही है ना, ये इसका सेंटर भी कर देंगे, इन दोनों का सेंटर करके करें ना करें, ये सेंटर कर भी सकती है, सेंटर जो ये आएगी लाइन, ये इसका सेंटर कर लीजिए, तो ये लाइन आ गई इन दोनों का, ये जो दो ये जो डॉट है इसका सेंटर किया, तो ये वाली ये जो रेखा है ये है प्रिंसेस लाइन, राजकुमारी लाइन रेखा, जिसमें आपके हिंदी में राजकुमारी रेखा आ रहा है ना वो। अब वो कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि वेस्ट लाइन हमारी चाहिए, फ्रंट वेस्ट लाइन चाहिए 6 इंच और 3/8, 8 में से 3। और अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है सेंटर फ्रंट को पेंसिल लाइन, सेंटर फ्रंट, ये सेंटर फ्रंट है, ये देख रहे हैं ये वाली लाइन सेंटर फ्रंट की बताई थी, यूज से वो कह रहा है 2 इंच और 5 पॉइंट, 2 इंच और 5 पॉइंट लेंगे आप ये। अब आप देखिए कि ये कितना बचा, ये आपका डार्ट ये बचा 1 इंच, 1 इंच बचा, तो आपने 1 इंच ही इधर ले लेना है। फिर से देखेंगे, यहाँ से अगला पॉइंट ये है सेंटर फ्रंट को पेंसिल से,
सेंटर फ्रंट ये हो गई और प्रिंसेस लाइन ये बन जो हमने ये प्रिंसेस लाइन। अब यहाँ से सेंटर फ्रंट को प्रिंसेस लाइन वो कहता है कितना उस तरफ को जाना है, उस तरफ को जाने के लिए कह रहे हैं 2 इंच और 5/8 मतलब काटने से 5 तो ये लिए तो ये बचा 1 इंच, इसको मेंशन कर लीजिए आप 1 इंच। तो इस लाइन से इधर भी 1 इंच ले लेना, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को ये वाली लाइन को ये अपेक्स पॉइंट से इस लाइन को मिला दीजिए और अपेक्स पॉइंट से इस लाइन को मिला दिया। थोड़ा सा गड़बड़ा गया मेरे से, लेकिन आप पेंसिल से ठीक कर ये अपेक्स पॉइंट से इस पॉइंट इस लाइन को और इस लाइन को मिला दिया। अब चाहिए कितनी वेस्ट लाइन जो हमने छोड़ी थी, मैंने बताया था अभी छोड़ दो, तो कौन सी थी वो फ्रंट वेस्ट लाइन। फ्रंट वेस्ट लाइन चाहिए 6/3/8, तो 6/3/8 मतलब कि 6 इंच और 3, ठीक है, 6.3 है ना। 6.3 में से हमने कितना ले चुके हैं, 2.5 ले चुके हैं। कितना ले चुके हैं, 6.3 में से हमने कितना ले लिया, यहाँ पर जो लिया है कितना ले चुके हैं, 2.5। ये डार्ट बन गया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 2 गए 3, तो कितना बचा 3 पॉइंट। तो यहाँ से हम वेस्ट लाइन पूरी बना, कमर को पूरा फिटिंग में बनाना है ना, इसलिए ये डार्ट का प्रयोग किया जा रहा है। कमर पर फिटिंग आ जाएगी और यहाँ बस्ट पे डार्ट का क्या काम होता है, कमर पर फिटिंग लाना और बस्ट पर फुलनेस लाना होता है। तो ये डार्ट वाला मैंने आपको पहले चक्कर समझाया, तो अब हमारे पास बचा 3 पॉइंट। तो ये जो डार्ट वाली लाइन ली है ना, यहाँ से आपने 3.8 ले, 3.8, ठीक है, 3.8 का मतलब पूरा ही हो गया, 4 ही हो गया है ना, 8 पॉइंट है ना, 3.8 का मतलब क्या हो गया, 4। ये ले लिया आपने, अब ये और ये मिला के कितना है बना 6.3। कितना बना, ये रहा जो हमने बचा था, और ये आगे भी माइनस कर लिया जितना हमने रख दिया था उसको माइनस करके, और ये हमने पहले क्या किया था, यहाँ से 2.5 लिया था, फिर ये जो ये कितना बचा नाबा, ये 1 इंच है, इतना ही इस लाइन से इधर लेना है 1 इंच। फिर उसको जो वेस्ट लाइन जितनी है उसको 6.3 में से 2.5 माइनस कर दिए, तो बचा 3.8 का मतलब हो गया 4। अब ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगाने के बाद बेटा जी इसको हमने इस पॉइंट से जो आर होल वाला पॉइंट है, ये देखिए ये जो पॉइंट ये जो निकला ये इसको हमने मिला, समझ में आया आपको। फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, सबसे पहले बस हमने नाप की ओर ध्यान देना है, क्या देना है, नाप की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले है हमने क्या किया, 1.5 इंच नीचे से छोड़ा, 1.5 इंच उधर से छोड़ा और इस तरीके से लाइन लगा ली सीधी, ये सीधी लाइन आगे तक लेके जाए क्योंकि हम गैप बनाएंगे। अब फिर दूसरा उसमें पॉइंट था विड्थ ऑफ बस्ट, विड्थ ऑफ बस्ट है 9.5, तो 9.5 यहाँ पर यहाँ तक लिया मैंने और इधर से भी 9.5, ये जो लेंथ ली थी फ्रंट लेंथ ली थी ना, इसके बाद सबसे पहले फ्रंट लेंथ ली 17 इंच और 1/4, 1/4 का मतलब 2 पॉइंट, बताया था मैंने आपको 1/4 का मतलब लिख लेना 2 पॉइंट, कितने 1 इंच में से 2 पॉइंट, 1 इंच में कितने होते हैं 8, तो यहाँ से भी 9.5 लिया और ये 2 पॉइंट। फिर तीसरी लाइन क्या है, मैंने कहा ना जैसे हमने पहली ली उसे टिक कर लिया, दूसरी ली उसे टिक कर लिया, फिर तीसरी ली सेंटर फ्रंट से, तो सेंटर फ्रंट ये है, तो नेक की तरफ होता है वो सेंटर फ्रंट होता है, तो
यहाँ से ये 40 कितना 3/8, 40 3/8 का मतलब 8 में से 3 पॉइंट ले लिया। ये जो बचा जितना बचा तो ये वाला और ये इधर से ये सेम ले लेना है और एक बॉक्स बना देना है और इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा करके ये गलत भी शेप। ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट फिर उसने मांगा अपेक्स, फिर उस बार बार ये कह रही हूँ कि आप एक टिक लगा दे जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैंने कौन सा उन्हें ले लिया है और इनको नाम भी देते जाए। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन ली थी, से ए बी सी डी इसी प्रकार जो जो नाप लेते जा रहे हैं उनको हमने एक नाम देते जाना है, वो अपना काल्पनिक नाम है आपका ए बी सी डी एच डी एच आई जे के एल एम, फिर एम वन एम है, एम वन भी कर सकते हो, एम टू भी कर सकते हो या आगे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट है अपेक्स। अपेक्स को निकालने के लिए ये जो लाइन थी ये वेस्ट लाइन को ये फ्रंट सेंटर फ्रंट लाइन जो थी ये नेक पॉइंट तक इसका कर लेंगे हाफ, हाफ किया तो ये हमारी अपेक्स अपेक्स लाइन निकल आई। ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है अपेक्स लाइन और ये जो है ये है अपेक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, यही थ्योरी में है आपका और आप इसको समझ लेंगे तो ये थ्योरी भी आपको इसकी मैंने करवा भी दी है और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पैक्स कितना लेना है चौड़ाई में 3/5/8, 8 में से 5 पॉइंट, 3 इंच पूरे और 5 पॉइंट ये निकल रहा है अपेक्स पॉइंट। ठीक है, अपेक्स पॉइंट निकल गया। नेक्स्ट फिर इस पर टिक लगा लिया। नेक्स्ट लिया अंडर आर्म सीम। अंडर आर्म सीम मतलब साइड सीम होता है, तो ये तो सेंटर फ्रंट है तो नेचुरली ये साइड सीम है। अंडर आर्म सीम यहाँ से यहाँ तक जितना नाप दिया हुआ है 7 इंच और 7/8 मतलब 8 से 7 इंच ये निशान लगाया। इस निशान को लगाने के बाद अंदर की तरफ 2.5 इंच लगा, क्या लेना है 2.5 इंच और इधर से ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच ये ले लिया। ये पॉइंट बना लिया था हमने, इसे अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ भाई। हमने क्या किया था 2.5 इंच और 2.5 इंच ये लिया। इसके बाद क्या किया फ्रंट बेस लाइन, फ्रंट बेस लाइन हमने कहा था ये बाद में करेंगे इसको, क्योंकि वो हमने किसके साथ की सेंटर फ्रंट को पेंसिल इस वाली लाइन के साथ की ना हमने ये वाली लाइन बेस लाइन तो इसे हम बाद में करेंगे। इसके बाद वेस्ट लाइन को शो, वेस्ट लाइन कौन सी है ये आपकी क्या है वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन को अब आइए वेस्ट लाइन को शोल्डर। तो वेस्ट लाइन को शोल्डर जितनी है 14 इंच और 3/4, 3/4 का मतलब है कि 6 पॉइंट कितने कितने 3/4 का मतलब 6 पॉइंट आपके 1 इंच। इसके बाद उसको 75 पैसे भी बोल सकते हैं, 1 रुपये में 75 पैसे अगर आपको इस तरीके से समझ में। फिर यहाँ जो ये पॉइंट लगाया यहाँ से 1/2 इंच आपने अंदर की तरफ लेना है ये, और ये जो पॉइंट फिर उसके बाद क्या किया था ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट को इससे लगा दिया और ये ऐसे करके सीधे लगा दी। ये क्या बन गया आर्म होल, आर्म होल मतलब जहाँ पर बाजू लगे। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है 1/2 इंच वाला और ये नेक इन दोनों को हमने मिला, मिलाने के बाद अब वो आगे क्या कह रहा है शोल्डर लेंथ, शोल्डर लेंथ ये वाली लेंथ कहलाती है, कौन सी लेंथ कहलाती है ये शोल्डर लेंथ। वो तो कह रहा है क्या कह रहा है कि शोल्डर लेंथ 4 इंच और 7 पॉइंट, 4 इंच और 7 पॉइंट है वो तो बहुत ज़्यादा है 4 इंच 7 पॉइंट से, तो 4 इंच और 7 पॉइंट का हाफ करेंगे। हाफ ये नेक पॉइंट से इधर की तरफ लेना है, ये ले लिया 2 इंच और 3.5 पॉइंट पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये निशान लगा लिया। फिर इधर से भी ऐसे ही किया 2 इंच 3.5 पॉइंट इधर निशान लगा लिया और इस निशान को इस अपेक्स पॉइंट से मिला दिया, इस निशान को इस अपेक्स पॉइंट से मिला दिया और इन दोनों का सेंटर लेकर के फिर उसको मिला।
ये आपका तैयार हो गया। अब आती है हमारी विद सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस, सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस दो इंच और पांच पॉइंट है, दो इंच और सेंटर फ्रंट लाइन ये वाली है, इधर सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस, ये प्रिंसेस क्या प्रिंसेस। आप इधर से दो इंच पांच पॉइंट लिए, जो ये इस पे पॉइंट बिंदु लगा देना है, इस लाइन से इसको नापना है, ये बना एक इंच, और फिर एक इंच ही इस लाइन से इसको लेना है, ये डार्ट बन गया, और इसको हमने लगा दिया। डार्ट का मैंने बताया है ये क्यों डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये तो वेस पे है ना, लूज आ जाएगा, बस ज़्यादा होती है वेस कम होती है, तो ये डार्ट बन गया। और यहाँ पर फुल वेस, ये कौन सा डार्ट है, इसी शोल्डर, यही हमारा बॉडी है। इसके आगे फिर आगे समझाऊंगी, फिलहाल आप फर्स्ट ये वाला ही समझ लीजिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट फर्स लीजिए ना। अब नेक्स्ट उसमें पहले इतना कर लेना, इसके बाद एक और है बेटा कि इसमें अब वो कह रहा है कि कितनी वेस्ट लाइन चाहिए, ऊपर वाला पॉइंट है फ्रंट वेस्ट लाइन, अभी नहीं आते सिक्स थ्री है, सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स इंच और थ्री पॉइंट, अब इसमें से टू इंच और फाइव पॉइंट पर ले लिए, टू पॉइंट फाइव इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद यह आ गया थ्री पॉइंट एट, थ्री पॉइंट एट का मतलब मैंने बताया एट पॉइंट है तो एक इंच, यहाँ से चार इंच लिया और बाकी ये बच गया, इसकी कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी वाले हिस्से की, ये कट जाएगा, ये डार्ट हो जाएगा और ये आपकी पूरी कवर आ जाएगी, कितनी सिक्स इंच और थ्री। आप बेटा इसको बनाओ, ये भी समझ में नहीं आएगा फिर यार पूछ लेना और वीडियो को बार बार देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके बाद मैं आपको बैक समझाऊंगी। ओके बेटा, बंद कर दो मिट्टी।